भाई ये देखो अपन वाइल्ड में जा रहे थे, ऊपर इतनी बड़ी मकड़ी। सुबह जिस नज़ारे का इंतज़ार था वो फाइनली आ चुका है, वो देखो सामने यार। सो गाइस ये 1 लाख सीढ़ी चढ़ने के बाद अपन यहाँ पहुँच गए हैं। Hey guys, welcome back to the channel Ape Face. I hope you guys are doing good. स्वागत है एक नए ब्लॉग में आपका। मैं हूँ देशराज, मेरे साथ है जीना। Hi. और काफ़ी दिनों से यार हम लोग जोरहाट में हैं, जीना के होम टाउन, अब मेरा भी होम टाउन है यहाँ पे। सो काफ़ी दिनों से भाई घर पे थे, रिलैक्स कर रहे थे और आज छुट्टी है यहाँ पे। सो बाबू की भी छुट्टी है, अपन भी काफ़ी दिन से घर पे हैं तो सोचा कहीं बाहर चलते हैं। सो मस्त अपनी पहाड़ों की रानी यहाँ पे फुल रेडी है, सामान सारा लोड कर दिया है। तो यहाँ पे पास में भाई एक वाटरफॉल है बहुत अच्छा, तो अपन चलेंगे उधर। नाम तो मेरे को अभी भी पता नहीं है, याद नहीं है, बाबू को पता है, वो अंदर काम कर रहा है। जैसे ही आएगा तो फिर मैं आपको अपडेट करूँगा वाटरफॉल का नाम क्या है। और काफ़ी बार मैंने वीडियोज़ में देखा यार, काफ़ी अच्छी जगह है। सो रेडी अपन हो चुके हैं, 11 बज रहा है फिलहाल, तो फटाफट बस लॉक करते हैं और निकलते हैं। और ये देखो भाई अपना बिलौटा, इनका मैंने नामकरण किया है। ये बड़ा है, इसका नाम मैंने फ़का रखा है और छोटे वाले का नाम मैंने मादा रखा है। और यहाँ पे देखो यार हमारे घर की मुर्गियाँ, मुगरी पाली हुई हम लोगों ने। सो मस्त ये पूरे दिन यहाँ पे चरती रहेंगी, तब तक अपन मस्त ट्रिप करके आते हैं। कितना टाइम लगा भाई? 1.5 घंटा। चलो भाई चलो, रेडी हो लो फटाफट। बाबू नाम क्या है उसका वाटरफॉल का? काकोसांग। और ये है बाबू, AK पराग चेतिया PC। सो भाई फाइनली सारे हो गए रेडी, बाबू कर रहा है लॉक, अपन ने गाड़ी निकाल ली, गाड़ी में सारा सामान डाल दिया है और पीछे अपना गोलू लाली। और अपन निकल रहे हैं गेट से बाहर। गोलू शूट करना ऐसे, मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ। ये ऑल्सो पेट्रोल है ना, पहाड़ों की रानी ऑल्टो। अभी पेट्रोल डलाना पड़ेगा, है वैसे पर डलवा लेंगे। डलवा लो हाँ, अभी फालतू का रिस्क नहीं लेंगे अपन, डलवा लेते हैं। बाबू तब तक पीछे लॉक कर देता। और भाई मैं आपको मस्त चीज़ दिखाता हूँ, अभी तो फिलहाल गाड़ी थोड़ा आगे कर लेते हैं गाड़ी को। और सामने ना भाई चावल हो रखा है, बहुत सही। ये देखो अभी दिखाता हूँ आपको मैं आराम से। सो ये देखो यार बहुत ही सही नज़ारा है बाहर का। और अभी दिन के 11 बज रहे हैं फिलहाल। यार इस बार ना ये थोड़ा नीचे में ही गेहूं हो गया, धूप बहुत ज़्यादा हो रखी थी, नहीं तो नॉर्मली ये इतने ऊपर तक हो जाते हैं। लास्ट टाइम अगर किसी ने मेरा व्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें डाला था, इवन शॉर्ट्स भी हैं यहाँ के। सो बहुत ही सही लगता है यार नज़ारा इवनिंग के टाइम पर यहाँ पर। सो अभी यहाँ से फ़िलहाल बाहर निकलते हैं। सीधे मेन रोड पे और कंटिन्यू करते हैं सीधे वाटरफॉल तक की जर्नी। सो जी हम लोग हाफ वे थ्रू हैं, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। सब कुछ रख लिया यार, घर से खाना बना के लाए थे कि मस्त पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक करेंगे, बट कारपेट लेना भूल गए, मतलब चटाई लेना भूल गए बैठने के लिए। तो अभी यहाँ पे पीछे यार एक शॉप मिली है, बैम्बू की मिलती है यहाँ पे। सो ये बाबू जा रहा है बात करने के लिए, कोई सही प्राइस पे मिल जाए। घर पे ऑलरेडी थी हमारे पास रेडी यार, बट ये प्लान लास्ट मोमेंट था। सो जीना सोई थी सुबह, इसको पता नहीं था हम लोगों ने क्या प्लान किया करके। हाँ 350 एक का ले ले। हाँ जो सही लग रहा है उठा लूँगा। तेरे को सही लग रहा है? सही मतलब क्या टूट जाएगा एक टाइम पे, बर्ड्स में वो बार्निश टाइप का कुछ मारना पड़ेगा। ले ले दो ही ले लो। ये बैम्बू का मिलता है यहाँ पे यार, लास्ट मोमेंट पे प्लान बनाया था, सब कुछ कर लिया, ये रह गया। अभी याद आया कि यार वहाँ बैठने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो अपन ने कहा चलो रास्ते में कहीं कोई मिलेगा तो ले लेंगे। सो मिल गया यहाँ पे लकीली, तो प्राइस भी सही है, 300 रुपये मिल रहा है। सो अभी लेते हैं। हाउ आर यू गोलू? सुबह से मूड ख़राब है इस लड़की का, क्योंकि रात भर ये सोती नहीं है। सुबह ये सोई और हमने एक दिन का प्लान बना लिया और उठा दिया इसे। सो शी इज़ नॉट इतना गुड मूड। गोलू मैं शॉपिंग कराऊंगा तेरे को। हाँ कुछ हो गई नहीं कराऊंगा करके रहूंगा। तो बस यहाँ से यार निकलते हैं। फिलहाल ऑल्टो में अपन ने कराया पेट्रोल फुल बीच में, और मस्त सामने नज़ारा देखो यार। बिल्कुल ऐसा लग रहा है रोड्स और स्काई देख के तो लगता है कि मैं यूएस आ गया हूँ। इतना क्लियर है ना भाई यहाँ पे। दिल्ली के आदमी को अगर ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, इतना साफ नज़ारा, इससे बढ़िया चीज़ नहीं है। सो भाई अभी रास्ते में हम लोग, और ये देखो यार नज़ारे मेरे राइट हैंड साइड ऑफ फुल खेत ही खेत, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। बौखरी बोली मैं इधर चली, मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली। और मोर गई, सॉरी। सो गाइस ये पूरा ट्राइबल एरिया है। क्या नाम है जगह का भाई? काकोसंग। जगह का भी नाम काकोसंग है शायद। और आसमान इतना साफ है ना भाई, जहाँ पेड़ वेड़ नहीं है, आसमान इतना साफ, इतना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर फुल क्लाउड्स देखने को मिल रहा है, वाइट। स्पीड ब्रेकर बहुत घटिया। और ये देखो राइट में भाई अपने फुल चावल की फसल हो रखी है सब। ये लेफ्ट में देखो गाइस नज़ारा देखो यार सामने का, एकदम फुल ऑन नेचर के बीच। सामने बिल्कुल पहाड़, और ये उत्तराखंड के नहीं, ये आसाम जोरहाट के पहाड़ है। और यहाँ पे एंट्री है भाई। तो एक बार ये सामने जो सांप जा रहे हैं, ये सांप एक बार निकल जाए तो अपन एंट्री कराएं यहाँ पे। जा तो एंट्री करा के। सो भाई यहाँ पे एंट्री है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर 6 व्हीलर सबके फीस अलग अलग है। कितना? 100 रुपये दिया तूने? और तो कोई फीस नहीं है ना? चलो भाई चलें आगे। नज़ारा बहुत बढ़िया हो रखा है भाई। वो पाइप वाला कहाँ का भाई? ये क्या है? वो वाटर क्रॉसिंग भी है? इसके ऊपर से गाड़ी लेके जानी है क्या? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। स्लिप तो नहीं करेगी इस पर? नहीं नहीं, मज़ा आ जाएगी। थोड़ा सा ऐसे कट के लेके चल रहा है ओसगर। बैम्बू नहीं है रे, पाइप है, पानी की पाइप हो गया। खेत है क्या पूरे? खेत है, पाइनएप्पल कहाँ लगाऊंगी एक सेट दिन पर। सो भाई पीछे से पार्किंग करके अपन आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है। बैग में होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर उसमें डैशबोर्ड में रखा होगा उसने। सो भाई ये सीढ़ियाँ बन गई हैं लकीली हमारे आने के टाइम पे, नहीं तो यहाँ से जूता उतार के नीचे से जाना पड़ता था पहले यहाँ से। और यहाँ देखो यार नीचे पूरी पानी की स्ट्रीम, इसी को फॉलो करते हुए आ रहे थे अपन दोनों तरफ से। सो बहुत ही सही। चलते हैं आगे अभी। सुबह ये नज़ारा है पूरा। फिलहाल अपन जा रहे हैं ट्रैक करके वाटरफॉल की तरफ। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक है, फुल नेचर के बीच, जंगलों के बीच। यार ये देखो गाड़ी जाने की जगह है, लेकिन यार पहले जाने देते थे, अब इन्होंने बंद कर दिया है गाड़ी। तो फिलहाल अभी वॉक करके ही जाना पड़ेगा यहाँ तक, ऊपर तक। नहीं तो मस्त अपन गाड़ी से भी जा सकते थे। और वो अपने 2 साथ के ट्रैवलर्स आगे जा रहे हैं। और नज़ारा देखो यार सही एकदम, मतलब फुल फॉरेस्ट के बीच है, मज़ा आ रहा है। पता नहीं अभी तक ये जगह कैसे मिस हो गई थी। ज़्यादा नहीं है, हमारे घर से लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ तक आने के लिए। तो मस्त वही एक्सप्लोर करते हैं। पूरा बैम्बू वाला जंगल है यार इस तरफ, पीछे बैम्बू कट भी रहते हैं। देखो सामने यहाँ भी बैम्बू कट रहे हैं, यहीं पर दुकानें बन रही हैं उससे। वो देखो सामने देखो यार पानी आ गया फिर से। और जगह जगह पे ऐसी वाटर क्रॉसिंग्स है। पहले यहाँ से गाड़ियाँ लेके जा सकते थे। अगर आप यूट्यूब पर जाके देखोगे वीडियोस तो वो लोग मस्त यहाँ से गाड़ियाँ लेके जाते थे पहले। बट अब इन्होंने ऊपर ये सीढ़ियाँ बना दी हैं यहाँ पे, ताकि कोई गाड़ी अलाउड ना हो ऊपर, क्योंकि जो होता है यार गाड़ियाँ फंस जाती हैं। बाकी दिक्कत आप समझते ही हो, बट सही है, बढ़िया है। तो फिलहाल ऊपर चलते हैं, ऊपर मिलते हैं आपसे। बीच में कुछ और नज़ारा होगा तो ज़रूर दिखाऊंगा आपको। सुबह यहाँ पे तो बीच में ये भी टूटा हुआ है, डंडे वंडे डाले हुए थे, इससे अपन आए हैं। और यहाँ से ट्रैक है भाई ख़तरनाक। बाबू यहाँ से कितना होगा? पहुँच गए? मुझे शक सा क्यों हो रहा तेरे पे? बाबू से जब भी पूछ रहा हूँ कहाँ पहुँचे, बोले बस पहुँच गए। ये तो वो पहाड़ियों वाला जवाब दे रहा है। पहाड़ में जब भी ऐसा कोई ट्रैक होता है ना, लोगों से पूछा कितना दूर रह गया, बोला बस पहुँच गए, बस पहुँच गए। और ये करते 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 निकल जाते हैं 5-6 किलोमीटर। आज तूने सही जगह के लिए सही टी शर्ट पहना है, वाइल्ड इनफ। आजा गोलू। अबे रहने दे, पीठ तुलवाएगा क्या? चलो जय माता दी, सारे बोलो। मैं नहीं सुनी, आवाज नहीं आई। उतार दे, उतार दे, उतार दे। मजदूर लगवाने पड़ेंगे क्या? पीछे बैठे बैठे थक गई, बताओ। फिर से यार देखो जगह जगह पे ऐसी वाटर स्ट्रीम्स बनी हुई हैं, बहुत सही, फुल जंगल के बीच। आराम से। तीन 300 मीटर रह गया शायद। भाई ये देखो अपन वाइल्ड में जा रहे थे, ऊपर इतनी बड़ी मकड़ी। सोचो ये उछलना है मुझे। ये देखो बत्तीरी। ओ शिट। ये अगर चढ़ जाए ना किसी के ऊपर फिर तो कोई उतार भी नहीं सकता, क्योंकि सबकी फटी पड़ी होगी। स्पाइडरमैन ने स्वर्गमैन बन जाएगा। तो भाई बहुत गर्मी है यार, ये नवंबर का मंथ है और खतरनाक धूप निकली हुई है भाई यहाँ पे। कोई नहीं, चलते हैं ऊपर, तो ऊपर चल के देखते हैं। यहाँ वॉशरूम है क्या? नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी छोटे छोटे कैफेज बने हुए हैं, कुछ खाना पीना है तो यहाँ मिल जाएगा। फिलहाल तो यहाँ कुछ बन रहा है। और जैसा आप लोग देख रहे हो भाई, पूरे के पूरे इन्होंने फुल स्टेयर्स बना दिए हैं लोहे वाले, तो आसान थोड़ा हो गया अपना सफ़र। नहीं तो पहले तो इन पहाड़ों से कच्चे रास्ते से जाना पड़ता होगा। और स्ट्रीम की जो आवाज़ है भाई वो तेज़ होती जा रही है अब। तो फिलहाल करते हैं कंटिन्यू आगे। सो भाई लगभग अपन पहुंच गए हैं फुल यार जंगल के बीच। जब से वो मकड़ी देखी है तब से और केयरफुल होकर चल रहे हैं अपन, है ना गोलू? सो भाई जिस नज़ारे का इंतज़ार था वो फाइनली आ चुका है। वो देखो सामने यार। और भाई मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा वाटरफॉल है। बहुत सही भाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ओए होए होए, जाएंगे अभी। चक्राता वाले फॉल की याद आ गई। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज ये स्प्लिट वो होके आ रहा है ना, चौड़ा होके बहुत। ये देखो भाई चट्टानों के बीच देखो कैसा। पहले नीचे जाने देते थे पर कोई समझदार आदमी कूद गया पानी में और उसकी मौत हो गई। तब से यहाँ जाना अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत सही जगह है भाई। अभी नीचे जा सकते हैं, जाना है तो। ऊपर क्या है भाई? और सीढ़ियाँ ऊपर भी जा रही है। वापस नीचे जाने का? वह यहाँ से क्यों नहीं है? ये भी जाएंगे, चलो। तो भाई यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया। और यार बहुत सही जगह है, पानी के छींटे बिल्कुल जैसे चक्राता टाइगर फॉल पे आते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे छींटे। आप लोगों को पता नहीं लग रहा होगा वीडियो में, लेकिन धूप पड़ रहे हैं बहुत ख़राब। और यार नीचे जाने का रास्ता यहाँ से रिस्की वाला मैटर है थोड़ा। लड़के तो जा सकते हैं पर जीना नहीं जा सकती, तो अपन यहाँ से जा नहीं रहे, अपन सीधे ऊपर जा रहे हैं। ऊपर से ही फिर नीचे उतरेंगे सीधे। तो फिलहाल ये यहाँ पर थोड़ा फ़ोटो वोटो लेते हैं एक दो और फिर निकलते हैं। तो भाई शुरुआत हो रही है इन सीढ़ियों पर चढ़ने की, स्वर्ग की सीढ़ियाँ। और फाइनली वाटरफॉल को कहना पड़ेगा बाय। सो चलते हैं ऊपर भाई। लास्ट टाइम नज़ारा देख लो, बहुत सही लोकेशन है, फुल जंगल साइड वाटरफॉल। और अब चलते हैं ऊपर। सो गाइस ये 1,00,000 सीढ़ी चढ़ने के बाद अपन यहाँ पहुँच गए हैं। और ये फुल वाटरफॉल के टॉप वाला एरिया देख पा रहे हैं यहाँ से। लेकिन फ़िलहाल सूरज है उस तरफ तो इतना क्लियरली आ नहीं रहा। यहाँ से जो मैं लूँगा वो तुम दे नहीं पाओगे। सो फिलहाल भाई ये देखो कैसा लग रहा है गोलू, कैसा लग रहा है? प्राण पखेरु हो गए इस लड़की के, प्राण पखेरु। चलो भाई भाई यहाँ भी लोग याशी के लिए आते हैं, दारू की बोतलें और कैन नज़र आ रहे हैं। जगह है वैसे अच्छी, पर अगर आते हो पीने के लिए यार तो जगह मत गंदा करो, जगह जगह पे है। और पूरा का पूरा जंगल भाई, ये देखो बैम्बू, सिर्फ और सिर्फ बैम्बू ट्रीज। तो अभी इस रास्ते से नीचे उतरते हैं और सीधे पहुँचते अपनी पार्किंग में। बाइगन सुबह घर से हम लोग कड़ी चावल चटनी सब्जी लेके आए थे। अभी फ़िलहाल ये मस्त हट बना हुआ है यार, इसके नीचे मस्त खाना चल रहा है अपना। बाबू सर्व कर रहा है, अपन खा रहे हैं, फिर खा के सीधे निकलते हैं घर के लिए। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं वापस। और यार ये नज़ारा देखो, इवनिंग टाइम है, अभी सूरज डूबने वाला है। और यार यहाँ देखो फुल पूरी फसल हो रही है, सारे के सारे लोग काम करने में लगे हुए हैं यहाँ पे। और क्या नज़ारा, सूरज देखो सामने, बहुत ही बढ़िया। अनुभव सर का एक शो था उसमें वो बच्चों का इंटरव्यू देते थे यार। हाँ मस्त लग रहा था। हे गाइस गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे। सो भाई कल अपन रात को घर पहुँचे और भाई बिल्कुल हालत नहीं थी यार कुछ करने की, तो सीधे सो गए थे। अभी फ़िलहाल सुबह 7 बजे, बाहर मस्त धूप निकली है और यहाँ पे सफाई चल रही है। बाबू इन द हाउस। और वो देखो यार बिल्ली स्ट्रेचिंग कर रही है वहाँ पे, फुल टांगे वांगे चीर के। और कल भाई अपन लोगों ने ये वाली चटाई ली थी बैम्बू की, दो 350 रुपये, 350 रुपये पड़ी थी, बट 700 रुपये था, लेकिन डिस्काउंट मिल के 650 रुपये में पड़ी है। मैं बढ़िया है ये। अभी फ़िलहाल यार सुबह सुबह का टाइम है, अपन लोग उठ चुके हैं, तो सोचा ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में यार बहुत दिन से पास्ता खाने का मन था, तो भी मैंने पास्ता बनाया। सो आँच बहुत तेज़ होगी भाई, जल जाएगा ये। सो बस अभी करेंगे ब्रेकफास्ट। सो भाई ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया ऑलरेडी, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एप फेस। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।